हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अपने घर पे सुरक्षित होंगे। देखिए, कोरोना 2023 से पहले इंडिया में ख़त्म होने वाला नहीं है, ये बात मैं बहुत पहले से आपको बता चुका हूँ। और देखिए, मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, मैं भी काफ़ी एनालिसिस करके बोला था। मैं इंडियन हूँ तो मुझे भी पता है ना। तो मैं बार बार बोलता हूँ आपको, आपको अपने आप को और अपने फैमिली को कोरोना से सुरक्षित रखना है। कैसे रखना है ये आप लोग सबको पता है। चलिए, ये तो एज यूजुअल बातें हुआ जो मैं हमेशा बोलता हूँ। और कोरोना भी बहुत बड़ा हुआ, तो प्लीज़ 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 अपने आप को कोरोना से आप बचा के रखिए। अब देखिए, मैं आ रहा हूँ ये इस पे कि AQ से रिलेटेड या डिफरेंट कंपटेटिव से रिलेटेड कुछ भी मुझे न्यूज़ मिलता है या कुछ एनालिसिस रहता तो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। आज वो न्यूज भी रखिए, क्योंकि मैं भी थोड़ा यूनिवर्सिटी से बातचीत करके, जो मेरे से परिचित हैं उनसे मैं बातचीत करके आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। देखिए, हम लोग का अभी जो इवेंट सेमेस्टर और सेमेस्टर का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, उसका रिजल्ट मई के लास्ट में आने का संभावना है। बट कोरोना में कुछ भी करना मुश्किल है। अब जो है, मैं ये बताने जा रहा हूँ कि भाई, जो आपका फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर है उसका एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है? ये आप बार बार मुझसे पूछ रहे हैं या कमेंट में बार बार आ रहा है, हर वीडियो पे वही आ रहा है, सर कब होगा कब होगा। वही मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। देखिए, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, बीटेक और बी फार्मा जो हम लोग का इवेंट सेमेस्टर है, अभी जो हम लोग का चल रहा है, तो जो फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर, ठीक है, इनका एग्जाम जो जुलाई लास्ट में होने जा रहा है, जुलाई लास्ट में। अब एक बात आती है, सर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? देखिए, अभी तक जो संभावना बनता है, यानी यूनिवर्सिटी के पास भी जो संभावना है, वो ये है कि वो ऑनलाइन एग्जाम जुलाई में ले, क्योंकि आपका मई और जून में पीक पे रहेगा। तो वो सब लोग सोचते रहेंगे कि हाँ, कोरोना खत्म होगा तो हम ऑफलाइन ले लेंगे। लेकिन कोरोना खत्म होगा तब ना, कोरोना खत्म होने ही वाला नहीं है। बहुत कम लोग को पता है कि मई और जून, 20 मई तक तो पूरा पीक पे रहेगा, उसके बाद लोग जबरदस्ती सुधार में आएंगे कि नहीं आप ये है। तो जब सुधार होगा, जब हम लोग का चैन को तोड़ेंगे, जो चैन कोरोना का चल रहा उसको, जब हम लोग घर पे रहेंगे, एक दूसरे से कम टच में आएंगे, शादी ब्याह कम हो जाएगा, बाहर पूजा करना कम हो जाएगा, तो चैन जब टूटेगा तब थोड़ा कोरोना थोड़ा कम होगा। तो मई जून में पीक पे रहेगा। आप जुलाई में इतना बड़ा फिर से रिस्क लेने जा रहे हैं कि आपने करवाया और फिर कोरोना हो गया। तो जुलाई में उनके पास वही ऑप्शन है, यूनिवर्सिटी के पास भी यही ऑप्शन है, जुलाई में आप ऑनलाइन लेंगे तो ऑनलाइन। आप है कि भाई नहीं, हमको ऑफलाइन ही लेना, तो अगर ऑफलाइन लिए तो वो चला जाएगा अक्टूबर में, अक्टूबर से पहले वो नहीं ले सकते हैं। तो ये बात सबसे ज़्यादा संभावना बन रहा है ये कि जुलाई में हम लोग का ऑनलाइन एग्जाम यूनिवर्सिटी ले। अगर वो ऑफलाइन लेने का गलती करता है तो उसे अक्टूबर में लेना पड़ेगा। और जो फाइनल ईयर वाले, तो पिछले बार भी भाई वो देने के लिए तैयार ही नहीं है कि हम ऐसे रिजल्ट नहीं देंगे जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो। तो उस केस में, ठीक है, फाइनल ईयर का एग्जाम अक्टूबर से पहले कोरोना खत्म नहीं हो रहा, तो ऑफलाइन लेना हो तो अक्टूबर में लेना पड़ेगा। बट जहां तक मुझे जानकारी पता चला है कि जुलाई में आप लोग का एग्जाम होने जा रहा है, ठीक है? आपका एग्जाम कब होने जा रहा है? जुलाई में। किसका? फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर में। अगर वो ऑनलाइन ही लेना चाहते हैं फाइनल ईयर का तो वो ले सकते हैं। तो बीटेक और बी फार्मा का जो एग्जाम हम लोग का है वो जुलाई में होगा, ये अंदर से आप कंफर्म हो जाइए और उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाइए, पढ़ते रहना, छोड़ना नहीं है, ठीक है? कोरोना का गाइडलाइन का पालन करना और पढ़ाई करना। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो या कोई जानकारी हो तो आपका कमेंट मोस्ट वेलकम है, ठीक है? गुड नाइट।